हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नैपशॉट विद जीसी। आज है अपना वीकेंड डे और वीकेंड डे पे हम चल रहे हैं एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे। फ्रेंड्स, आज की अपनी जो डेस्टिनेशन है वो काफी ही ब्यूटीफुल जगह है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इस जगह को बुक्स में या फिर पिक्चर्स में देखा होगा। आज के अपने इस व्लॉग में हम कवर करेंगे द ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल। बाकी चलते हैं लोटस टेम्पल और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नजारे। फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। फ्रेंड्स, अपने घर से जो डिस्टेंस शो हो रहा है लोटस टेम्पल का, दैट इज 30 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में हमें 1 घंटे का टाइम लगेगा। बात करें किन मोड से आप लोटस टेम्पल पहुंच सकते हो, तो अपनी कार से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर कैब से या फिर मेट्रो से आप इजीली लोटस टेम्पल पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, लोटस टेम्पल पहुंचने के लिए जो सबसे नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो है कालकाजी मंदिर का मेट्रो स्टेशन, या फिर आप NSIC ओखला मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के बाद आप शेयरिंग ऑटो रिक्शा से लोटस टेम्पल के गेट पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप 10 मिनट्स वॉक करके भी इजीली लोटस टेम्पल के मेन एंट्री गेट पे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, कार हो चुकी है अपनी पीछे पार्क और अब हम चलते हैं अपना मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हम लोटस टेम्पल के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं एंड यहां पर जो एंट्री है वो एकदम फ्री है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड लोटस टेम्पल और आप देख सकते हैं आसपास का ब्यूटीफुल व्यू। काफी ही बड़े एरिया में बिल्ट अप है लोटस टेम्पल, चारों तरफ से इसके गार्डन एरिया है और बीच में लोटस टेम्पल एंड चारों तरफ काफी ही ब्यूटीफुल गार्डनिंग हो रखी है, फुल ऑफ ग्रीनरी। फ्रेंड्स, आप चाहे वीकेंड में आओ या वर्किंग डे में, हमेशा यहाँ पर आपको देश विदेश से आते हुए टूरिस्ट का रश मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इससे डबल खूबसूरत है आसपास का नजारा। फ्रेंड्स, लोटस टेम्पल इज द बहाई हाउस ऑफ वर्शिप, इट प्रमोट्स यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, इट इज अ यूनिवर्सल प्लेस ऑफ वर्शिप सभी धर्मों के लोगों के लिए। टाइमिंग्स की बात करें तो लोटस टेम्पल का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक है, 9 AM to 5:30 PM। फ्रेंड्स, लोटस टेम्पल वॉज बिल्ट अप इन 1986 में इसका निर्माण हुआ था और पूरा का पूरा जो लोटस टेम्पल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है विथ 27 ब्यूटिफुल लोटस पेटल्स। कैपेसिटी की बात करें तो लोटस टेम्पल में 1500 से लेकर 2000 के बीच लोग इकट्ठा होकर प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। बहाई रिलीजन या बहाई कम्युनिटी के बारे में अगर आपने पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं, बहाई रिलीजन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय बहाईउल्लाह इन ईरान एंड देन इट वॉज एक्सपेंडेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोटस टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस। आप कभी भी इस प्लेस को विजिट करो, आपको हमेशा क्राउड मिलेगा। फ्रेंड्स, लोटस टेम्पल के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट कुछ इस तरीके से दिखता है लोटस टेम्पल का इनर व्यू। ये आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है, फुल ऑफ ग्रीनरी। फ्रेंड्स, अपने आज के इस व्लॉग में लोटस टेम्पल से जुड़ी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है।
फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है ये सूचना केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लोटस टेंपल। लोटस टेंपल के चारों ओर काफी खूबसूरत गार्डनिंग हो रखी है और आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे ब्यूटीफुल रंग बिरंगे फ्लावर्स। फ्रेंड्स काफी ही ब्यूटीफुल है लोटस टेंपल और इसके आसपास का जो एक बड़ा गार्डनिंग एरिया वो भी काफी सुंदर है, स्पेशली द वाइड रेंज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। लोटस टेंपल में आके बहुत अच्छा लगा और लोटस टेंपल और इसके आसपास का एरिया पूरी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है और प्रॉपर सब कुछ सिस्टमैटिक है। फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे एक बार आना तो जरूर बनता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।